लगता कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो कुछ जगहें हैं जैसे कल भी एक केस आया आराबल फॉल्स में एक यूथ ने सोसाइट की इन जगहों पर फिलहाल के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए वो रोज़ खाना खाता था टाइम पर अब नहीं खा रहा ये देख रहा या बच्चा घर से निकल रहा है कहाँ गया किस जगह गया कौन सी सोसाइटी है कौन उसके दोस्त है। उसका खास कर तो ज़्यादातर केसेज जो कश्मीर में देख रहे हैं वो टीन के होते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए पेरेंट्स को तो कोई कदम उठाना चाहिए या जो मेंटल हेल्थ हाँ डॉक्टर्स है इनको कोई इनिशिएटिव वगैरह लेना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव अगर उससे हासिल नहीं हो हुआ तो वो नेचुरली वो एंजाइटी में जाता है और उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है असलम नाजरीन आप हाँ कश्मीर कन्वेनर और मैं हूँ आपका मेज़बानब्दुलवासत नाज़रीन पिछले कई हफ़्तों से या महीनों की भी बात करें कश्मीर में सुसाइड केसेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं हर दिन खबर आती है वहाँ सुसाइड हुआ यहाँ हुआ तो इसी रिगार्डिंग हम डॉक्टर मसरत साहब से बात करेंगे डॉक्टर डॉक्टर मसरत साहब जो है बानडीपुर के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी है आपने सही फरमाया कि ये जो सुसाइडल अटैक बेसिकली ये हर साल हो रहे हैं लेकिन ऐसा देखा गया है खासकर कश्मीर में कुछ दिनों पहले यहाँ इनकी बढ़ोतरी हो अगर हम ग्लोबल सुनैरियो देखें पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सुसाइडल अटैक्स जो है वो यू में होते हैं। और अगर देखें टेन परसेंट ऑफ़ द पॉपुलेशन जो वहाँ की है वो सुसाइड करते हैं। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी तकरीबन थ्री परसेंट ऑफ़ द पापुलेशन जो है वो सुसाइडल अटैक करें और कश्मीर की अगर बात करें यहाँ पर सुसाइडल अटैक्स बहुत बढ़ गए हैं इसके वजूद अगर आप देखें इनके इनके जो वजूहत है वो बहुत सारे हैं सबसे इम्पॉटेंट है होप एक इंसान की चाहत होती है एक इंसान का गोल होता है एक इंसान का ऑब्जेक्टिव होता है और वो ऑब्जेक्टिव अगर उससे हासिल नहीं हो तो वो सोचने लगता है नेचुरली वो एंजाइटी में जाता है और उसके बाद डिप्रेशन हो जाता है और डिप्रेशन में अगर उसने काबू पाया उस पर या समझ गया या कहीं से उसने एडवाइस ली वो मान ली तब बच सकता है अदरवाइज़ उसका फाइनल स्टेज यही होता है कि अब मैं सुसाइड करूँ सर ज़्यादातर केसेज जो कश्मीर में देख रहे हैं वो टीन एजर्स के होते हैं इनको प्रिवेंट करने के लिए पेरेंट्स को, को कोई कदम उठाना चाहिए या जो मेंटल हेल्थ डॉक्टर्स हैं इनको कोई इनिशिएटिव वगैरह लेना चाहिए बेसिकली जो इनिशिएटिव लेना है वो है काउंसलिंग लोगों को समझाना जैसे कि आपको मालूम है हालात बहुत ख़राब है आप देख रहे हैं हमारे बच्चे जो है दो साल से घर में बैठे हुए तो वो मोबाइल के साथ और कोई काम है नहीं पढ़ाई भी है नहीं और उसके बाद फिर कोरोना हुआ बहुत सारे ऐसे हालात हो गए जिसकी वजह से लोग परेशान हो गए तो इकनॉमिकली अगर भी देखा जाए थोड़ा वो भी असर हो गया तो फाइनली जो यूथ होता है आपको मालूम है वो बहुत तेज़ होते हैं खासकर कर एडोलसेंट एज जो होती है इनको अगर काउंसलिंग नहीं होगी तो दे मे लैंड इन टू दाइड इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के और हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम यहाँ चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमारे साइकेट्रिस्ट भी है जो कि पूरे हफ्ता बैठते हैं या किसी किसी जगह जो है एक या दो दिन वो देते हैं उसके अलावा हमारे पास है साइकोलॉजिस्ट हर हॉस्पिटल में यहाँ डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा हमारे पास है लोग आ सकते हैं वो यहाँ पता कर सकते हैं वहाँ काउंसलिंग सेंटर्स से हैं हमारे चार बंदे जो है वो काउंसलिंग पर हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली जो उनके साथ वन टू वन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी काउंसलर जो हमारे हैं उनको एक्टिवेट होना पड़ेगा और जितने भी लोग हैं मुझे गुजारिश है कि वो यहाँ आ जाए हॉस्पिटल में और जो ए, जो एडोटेंट फ्रेंडली जो क्लिनिक हमारे पास है वहाँ आ जाए और इसका फ़ायदा उठाए सर अगर कोई टीन डिप्रेशन से गुजर रहा है उसके पेरेंट्स को चाहिए कि उसकी थोड़ी बहुत देखभाल करें अगर सर पेरेंट्स की बात करें उनको कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है वो डिप्रेशन से गुजर रहा है कुछ बिल्कुल जब वो कोई अब नार्मल मोमेंट देखें जैसे वो रोज़ खाना खाता था टाइम पर अब नहीं खा रहा है ये देखना या बच्चा घर से निकल रहा है कहाँ गया किस जगह गया कौन सी सोसाइटी है कौन उसके दोस्त है उसका ख़ास ख्याल रखना क्योंकि ये जो एडलसेंट एज होते हैं ये सबसे ख़तरनाक एज होते हैं ये बड़ी वलरबल होते हैं तो इसलिए पेरेंट्स को मेरी गुजारिश है वो उनका ध्यान रखें ख्याल रखें और जैसे उनको लगे कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं बिहेवियर चेंज आ रहे हैं जैसे गुस्सा हो रहा है लड़ाई कर रहा है उनको चाहे यहाँ क्लिनिक पर ले आएँ हॉस्पिटल में और डॉक्टर से मशवरा करके उसको वो हंड्रेड ठीक हो सकता है अगर उन्होंने घर में रखा आपको मालूम हमारी सोसाइटी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे यहाँ पहले क्या होता था यहाँ टीबी होता था तो टी ऐसी बीमारी थी फिर सोशल सिटिगमा में अक्सर बोलते थे कश्मीरी में कर्नई शल शल जो है वो टीबी है उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट भी है ये बिल्कुल जैसे ज़ुकाम है वैसी बीमारी ट्रीटमेंट है वैक्सीन है और हंड्रेड परसेंट ट्रीटेबल है और दवाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन लोगों ने यहाँ के जो लोग हैं यहाँ के लोगों की जो फितरत है जेनेटिक प्रॉब्लम है वो इसको सोशल सिटिगमा बनाते हैं जैसे किसी का बेचारे का थोड़ा सा डिप्रेशन तो उसको पागल करा देते सर्टिफिकेट देते ये ये जो हमारे मोहल्ले में ये पागल है तो उससे बेटर था अगर उसके साथ अच्छी तरह पेश आते उसका जो डिप्रेशन कोशिश करते उसे वापस आ जाते उसके अलग वो उसको उल्टा करते हैं वो उसको और पीछे करते हैं इसलिए बेटर है इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ जे एंड के हेल्थ डिपार्टमेंट है जो मेंटल हेल्थ यहाँ पर डिपार्टमेंट एक उसमें उन्होंने काउंसिलर्स रखे और वो जो काउंसलर्स है वो उनको अच्छी तरह काउंसिलिंग कर सकते हैं लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी कोई ऐसा केस लगे उसको हॉस्पिटल ले आए और यहाँ पर हंड्रेड परसेंट वो ठीक हो जाएगा अगर वो विजिट करेंगे हमारे क्लिनिक को और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो जूथ डिप्रेशन से गुजर रहे आप उनको पर्सनली इनवाइट करते हैं कि अगर आप घर वालों को नहीं बता सकते तो आप हमारे पास आइए हम आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल हमारे दरवाज़े चौबीस घंटा खुला रहते हैं यहाँ पर हॉस्पिटल में कभी भी वो यहाँ जैसे ही उनको लगे विदाउट एनी क्योंकि मैंने पहले कहा कि इसको अगर घर में रहेगा और डिप्रेशन में जाएगा और फाइनली उस, उस सुसाइड करेगा उससे बेटर है कि हॉस्पिटल आ जाए हमारे पास एडोलशन फ्रेंडली क्लिनिक भी है और साइकेट्रिक जो क्लिनिक है या साइकोलॉजिस्ट हमारे हैं वो भी उनको काउंसलिंग करके वहाँ नाम लिखाए और फ्री ऑफ कॉस्ट वन टू तो वन वो उनको काउंसलिंग करके डिप्रेशन से बाहर ले आए लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को जो कुछ जगहें हैं जैसे कि कल भी एक केस आया आराम फॉलोज में एक यूथ ने सुसाइड की इन जगहों पर फिलहाल के लिए रेस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए बिल्कुल आपने सही फरमाया लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगाना उससे इसका कोई हल नहीं निकलेगा बट ये है कि इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए जैसे आप आ गए आज आपके माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे पास ये सिस्टम है ऑलरेडी इन प्लेस है सिंस लास्ट सो मेनी ईयर्स हमारे पास एडलसन फ्रेंडली क्लिनिक भी है उसके एम्प्लॉज़ भी है और इसके अलावा सैकट्रस्ट भी है मेंटल हेल्थ बिल्कुल एक बड़ा बहुत बड़ा प्रोग्राम है हमारा अंडर नेशनल हेल्थ मिशन तो मेरी गुजारिश ये है कि इस बात को लोगों तक पहुँचाए ताकि उनको पता चले यहाँ पर हमारे सेंटर आ, हमारे साथ शौकत शफी साहब भी जुड़ चुके हैं जो कि मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट है हम इनसे भी बात करेंगे कि जो बढ़ते सुसाइड केसेस है इनका जो मेन रीज़न है वो डिप्रेशन है तो डिप्रेशन से कैसे डील करेंगे ये या इनके पास जो काउंसलर से डॉक्टर से क्लिनिक से उनके बारे में भी ये बताएंगे आ, मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर कि मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पिछले पाँच सात साल साल में काम कर रहा हूँ और जो ही अगर हम बात करेंगे हमारे पास बहुत सारे केसेस आते हैं लाइक जो हमारा ज़्यादा यहाँ पे देखा जाता है डिप्रेशन ठीक है डिप्रेशन के बहुत सारे वजूहत है कि अगर हाँ किसी की फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगे या बाकी चीज़ की वजह से हम क्रिएट होंगे तो लेकिन डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा रोल है जब ज़्यादा मेजर डिप्रेश में आ जाता है तो उसमें एक सिम्टम आ जाता है सुसाइडल टेंडेंसी सुसाइडल थॉट्स तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक टीम बैठी है मेंटल हेल्थ टीम बैठी है हम बैठे हैं डॉक्टर साहिबान बैठे हैं जो इन माहरी नफसियातों पेशेंट्स का इलाज करते हैं यहाँ पर बिल्कुल आपको फ्री ड्रग्स भी अवेलेबल हो जाते हैं और हम फोर इंटू सेवन यहाँ पे काम कर रहे हैं सर अगर जो अक्यूट है इस वक्त अगर वो घबरा रहे घर में बोलने से या किसी और को तो आप उनको पर्सनली इनवाइट करते हैं कि आप हमारे पास आइए हमारे पास हाँ हमारे पास देखिए एक तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये यूनिट खड़ा है दूसरा हमने टेली काउंसलिंग भी या इस कोविड के दौरान में इस्टेब्लिश किया है और हम इनको टेली काउंसलिंग कोविड के दौरान फराहम करते थे और जैसे कि पेशेंट्स जिनको भी है वो बिना झिझक के यहाँ पे आइए अगर किसी को लगता है कि मिसाल के तौर पर किसी को नींद में दिक्कत आ रही है या बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है भूख कम लगती है चिड़चिड़ापन या एंगजाइटी फ़ीचर्स तो ये पहला पहला स्टेज है उसके बाद उसके बाद हेलोसनेशनस भी हो जाते हैं एल्यूजनज भी हो जाते हैं लास्ट में अगर हम ज़्यादा जाद, ज़्यादा एक इसका कोविड की वजह से बहुत सारे बच्चों में जैसे कि क्लासेस बंद हो गए एजुकेशन सिस्टम बंद हो गया तो इस चीज़ की वजह से यूथ्स पे या बड़ों पे हर हर एक फर्द पे जहनी प्रेशर पड़ गया है और बाकी सो मैनी को दियार सो मैनी फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू डिप्रेशन लाइक मिसाल के तौर पर हम अनएलॉयमेंट की बात करेंगे प्राइवेट से पूरे सेक्टर बंद है तो इन चीज़ किसी का जॉब चला गया है प्राइवेट सेक्टर में किसी की नौकरी चली गई है तो इन चीज़ों से कुछ जिनका डिफेंस मेकनिज़म कम होता है या इसमें सलाह मशवरे की किसी की ज़रूरत है काउंसलिंग की ज़रूरत है कि आपको किस राह पे चलना चाहिए तो हम हम बहुत हद हाँ तक ऐसी ये सुसाइडल टेंडेंसीज या जो सुसाइडल अटैम्प्ट होते हैं ये इसमें रोक पा सकते हैं अगर सर अगर कोई मतलब ऐसे हालात से गुजर रहा है डिप्रेशन से गुजर रहा है तो उनके पेरेंट्स को कैसे पता चलेगा कि हमारा बच्चा जो है इस हालात से गुजर रहा है उसके बिहेवियर में कुछ चेंज होगी उसकी जो डेली लाइफ है उसमें कुछ चेंजेस होगी हाँ देखिए मैं यही कहना चाहता हूँ यहाँ पे कि पेरेंट्स से ये हम बात कहना चाहते हैं कि अगर हम यूथ्स की बात करेंगे ठीक है जो जो एक अलर्ट है अगर हम किसी किसी काम के लिए पेरेंट बच्चों को कुछ काम बोलते हैं तो वो वहाँ पे एग्रेसिव बिहेवियर दिखा दे रहा है ठीक है और ऊपर से पेरेंट्स उसको देख उसको लग रहा है कि शायद जो मेरा बेटा है अब ये मेरी बात नहीं मान रहा है इसको ये मतलब किसी और पे वो उसको कुछ और भी बोलता है लेकिन अंदर से जो अपनी प्रॉब्लम है वो वो पेरेंट जानने की कोशिश नहीं करते हैं क्या इस पर क्या बीत रहा है ये मेरा जो बच्चा है इसमें कहीं तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो नहीं है कोई अपनी लाइफ स्टाइल प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से तो हमें यह देखना चाहते हैं कि ये जो पेरेंट का ये जो बच्चा होता है इसको देखना है कि मेरा जो बच्चा ये ठीक राह पर चल रहा है कहीं तो ये ड्रग्स में तो इन्वॉल्व नहीं है कहीं तो कुंडी लगा के घर में नहीं बैठता है कहीं तो इसका बिहेवियर इमोशनल बातों से पता चलता है कि तो पेरेंट्स में आजकल के मतलब पूरे मैं कह रहा हूँ कि अवेयर होना चाहिए कि बिहेवियर जो है बच्चे का ये सही है कि गलत है तो इन चीज इस पे हमें फोकस करना चाहिए तो so, आखिर में यूथ्स के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा यूथ्स के लिए मेरा मैसेज ये है कि आजकल पूरा अवेयरनेस मास मीडिया है प्रिंट मीडिया है न्यूज़पेपर से तो इस चीज में ये मेरा मैसेज है लोगों को कि लोगों को हॉस्पिटल आना चाहिए मामूली सा आपको लगे देखिए हम हम यहां एक बात कहना चाहते हैं पहले स्टार्ट में होता है एंग्जाइटी ठीक है एंग्जाइटी कैसे कि हम बता देंगे किसी को कोई एग्ज़ाम है ठीक है दो दिन के बाद तीन दिन के बाद पहला डेट से निकलता है फिर उस एंग्जाइटी से वो उसमें क्या करता है प्रिपरेशन कर लेता है दैट इज़ गुड एंग्जाइटी ठीक है दैट जो हर यहाँ स्ट्रेस हम बता देंगे दैट इज़ गुड स्ट्रेस कभी कभार नेगेटिव स्ट्रेस नेगेटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि ये जो बच्चा है ये पढ़ने वाला है या कोई किसी चीज़ का भी स्ट्रेस है वो उससे मुकाबला नहीं कर पाता है वो उसके सामने हार मान जाता है ना वो क्लास में कुछ अटम्प्ट कर पाता है या किसी के मान लो किसी को कुछ शादी है या उसके लिए तैयारी करनी है जो ये तैयारी करने के लिए उसको पहले एक स्ट्रेस आ जाता है उस स्ट्रेस को हम गुड स्ट्रेस कहते हैं अगर वो ठीक तरह से उस काम को अंजाम दे अगर वो ठीक तरह से उस काम को अंजाम ना दैट इज़ कॉल्ड बैड स्ट्रेस ठीक है उस चीज़ से फिर हम उसमें धीरे दे, धीरे दिक्कत हो जाती है बढ़ते केसेस को देखकर जो मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट है क्या ये कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स करेंगे कुछ इनिशिएटिव्स लेंगी हाँ देखिए इस कोविड की वजह से हमने जैसे कि कम्प्लेंस बाकी चीज़ थ्रू एडवर्टीजमेंट्स हमने आ, हम अवेयरनेस करते रहते हैं बिफोर कोविड हम कैम्प भी करते थे आ, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर भी हम मना रहे हैं पिछले इससे पहले एक महीने कुछ दिनों पहले सॉरी कुछ दिनों पहले हमने इंटरनेशनल ड्रग एंड ट्रैफलिंग डे भी मनाया है तो हम लोगों तक ये मैसेज पूछना पूछाना चाहते हैं कि लोगों को जब भी आपको लगे कि कोई किसी भी चीज़ हमारे यहाँ काउंसलिंग सेंटर मैं यहाँ पे हमेशा मौजूद रहता हूँ तो यह, उनको यहाँ हमारी सहूलियत का मैसर मतलब लुत्फ़ मतलब फायदा हमारे साथ डॉक्टर मसरत साहब डॉक्टर मसरत साहब ने कहा कि पर्सनली यूथ्स को मैसेज दिया है कि अगर आप डिप्रेशन से गुजर रहे हो आप अपने घर वालों को नहीं बता सकते हो आप पर्सनली हमारे पास आइए हमारे काउंसलर्स के पास आइए हमारे जो क्लिनिक्स हैं वो आपके लिए चौबीसों घंटे खुले हैं ऐसा कदम उठाने से पहले यूथ्स को भी सोचना चाहिए हर किसी को सोचना चाहिए अपनी फैमिली के बारे में तो नाजिन आप देख रहे थे कश्मीर कॉन्वेनर की ये स्पेशल रिपोर्ट कैमरा मैन